ऐसे सो सकते हो। ये देखो, ये देखो, ये क्या है, ह्यूंडई एरिया है ना, आपको बहुत ज्यादा मिलता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल विद अ न्यू वीडियो। सो आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूंडई अल्काज़ार की जो है 5000 किलोमीटर की ओनरशिप रिव्यू। सो बेसिकली 5000 किलोमीटर अभी तक हुआ है, लेकिन मैं जो है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अभी तक सो फार हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा इस गाड़ी के बारे में। वेल दोस्तों, इस वीडियो पे जो है हम लोग बात करने वाले हैं थिंग्स दैट आई लाइक अबाउट दिस कार एंड थिंग्स आई डोंट लाइक या डिसलाइक या हेट अबाउट दिस कार। सो इस गाड़ी के बारे में अगर आप देखोगे तो 3-4 चीज़ें जो है मुझे पसंद नहीं है, और बाकी अगर देखोगे 10-15 चीज़ें जो मुझे पसंद है। इसका मतलब ज़्यादातर चीज़ें पसंद है और कुछ चीज़ें जो है बहुत खराब है, बहुत खराब है, जो आपको मैं बताऊंगा। अब मैं वीडियो के टाइटल हेट वाला चीज़ पे क्यों रखा रहा हूँ, दो रीजंस के लिए। एक पहला रीजन ये है कि थोड़ा सा क्लिक बेट होता है, आप लोग जो है मतलब अच्छे टाइटल रखने से वीडियो देखते नहीं हो, थोड़ा सा बुरा टाइटल रखने से आप क्यूरियस होकर देखते हो, तो ये फैक्ट है यूट्यूब की, तो इसीलिए रख रहा हूँ, तो सो सॉरी फॉर दैट। सेकंड रीजन ये है कि लोगों को जो है अच्छाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका रीजन ये है कि यार देखो, अगर कोई चीज़ आपकी गाड़ी में अच्छा है तो इट्स गुड टू हैव, राइट? तो कोई भी अगर गाड़ी ले रहा है जो अच्छा ही आ रहा है उसके साथ, तो वो मतलब इट्स हैप्पीनेस फॉर हिम। लेकिन जो बुराई है उसको जानना बहुत ज़रूरी है जो भी गाड़ी खरीद रहा है, तो इसलिए सारे के सारे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो पे। अब दोस्तों, बाहर जो है बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, तो मतलब हल्का हल्का बारिश शुरू हो गया, लेकिन हवा बहुत तेज है, तो मुझे लग रहा है कि इंट्रो भी शायद उसमें थोड़ा सा हवा आ गया होगा, तो इसलिए मैं अभी गाड़ी के अंदर बैठ के जो है बात करूंगा। जो जो चीजें बाहर से बुरा है वो बाहर जाके दिखा देंगे, लेकिन थोड़ा बारिश वाला माहौल है। बैंगलोर में क्लाइमेट अभी जो है मतलब एकदम बिंदास मौसम है, बोल सकते हो। मतलब वो होता ना कि हिल स्टेशन वाली क्लाइमेट, हिल स्टेशन पर बारिश हो जाता है, कैसा क्लाइमेट है, ठंडा और बारिश, वैसे ही फीलिंग आ रहा है। मैंने जो है मोबाइल पे सारे के सारे पॉइंट्स जो है नोट करके रखा है, तो अभी जो है आपको एक एक करके शेयर करूंगा, कुछ डिसलाइक्स और बहुत सारे लाइक्स। तो दोस्तों, सबसे पहला चीज जो मैं मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है वो ये है कि यार ये जो डैशबोर्ड की ये जो सेंटर कंसोल है ना, जो यहाँ पे है, ये ना इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है या फिर इसकी फिटिंग अच्छी नहीं है। इसमें ना बहुत सारा कें कां चें चा ऐसे साउंड आता है, जैसे ये आप, मैं अभी थोड़ा सा साउंड म्यूट कर रहा हूँ, मतलब मैं बात नहीं करता हूँ, तो शायद आपको समझ में आएगा। अगर इसमें नहीं आ रहा तो मोबाइल से भी एक बार रिकॉर्ड कर लूँगा। देखो, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये साउंड्स आ रहा है, थोड़ा एम्पलीफाई करके ही आपको सुनाऊंगा। ये देखो, ये क्या है ह्यूंडई, इतना सा चीज क्या है? मतलब सारे के सारे गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इंटीरियर की क्वालिटी के हिसाब से, लेकिन ये जो सेंटर वाला पार्ट है ना, बेकार है। अब जब मैं सर्विस के लिए जाऊंगा या फिर उससे पहले ही जाके इसको बोलूंगा कि फिक्स करने के लिए, आई डोंट नो इफ दे कैन रियली फिक्स इट और नॉट, लेकिन ये बहुत बुरा है। क्या है यार, क्या है यार, मतलब 20-25 लाख की आप गाड़ी लेते हो, ऐसे क्वालिटी देते हैं, तो ये क्वालिटी जो है बकवास है, खास करके बस ये सेंटर कंसोल। इसके अलावा और कहीं से भी मुझे कोई भी साउंड वाउंड नॉइज कुछ भी नहीं आता है। जैसे मेरे पास जब नेक्सॉन था ना, नेक्सॉन में बहुत सारा ऐसा खटखट खिटखट वो साउंड, और टाटा में वो थोड़ा कॉमन है कि बार बार आता रहता है। जैसे मतलब डैशबोर्ड में कभी साउंड आता है, कभी मिरर के पास से आता है, कभी डोर के पास से आता है, छोटे मोटे खिटखट खिटखट साउंड आता रहता है, लेकिन इसमें एज सच और कहीं पर कुछ साउंड नहीं है। लेकिन ये वाला बहुत बहुत जो है इरिटेटिंग है। इसमें क्या होता है पता है, जब आप चलाते रहते हो ना ऐसे, अगर आपका पैर भी लगता है तब भी ये मुझे साउंड किड कार्ड साउंड आता है, बहुत इरिटेटिंग है। यहाँ पे कोई बैठता है उसका भी पैर लगने से भी आता है, तो ये सबसे बड़ा चीज़ है जो मैं हेट कर रहा हूँ इस कार के बारे में। बाकी अलग पार्ट्स के हिसाब से देखने से और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेकंड वाला चीज़ जो मैं इस गाड़ी के बारे में हेट करता हूँ, उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा और बारिश हो चुका है, आप देख सकते हो, थोड़ा सा भीग के कर लेंगे वो शूट। दोस्तों, सेकंड चीज़ जो मैं हेट करता हूँ इस कार के बारे में वो है इसकी हेडलाइट्स। दोस्तों, देखने में तो बड़ा लाजवाब दिखता है, पूरा 3-पीस वाला ये क्या LED यूनिट है, लेकिन ये पूरा बेकार है। ये हाईवे पे आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। ये सिटी के लिए ठीक है, लेकिन हाईवे के लिए बहुत ही ज्यादा बकवास लाइट है। ये बिल्कुल थ्रो अच्छा नहीं है, आपको कुछ भी नहीं दिखता, और खास करके बारिश हो जाता है तब तो जीरो विजिबिलिटी हो जाता है, आपको लगेगा कि यार गाड़ी में कोई लाइट है भी या नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ये हाईवे पे थोड़ा सा दिक्कत करता है, आप इसको कैसे सॉल्व करना है वो मुझे समझ में भी नहीं आता है। अगर इसमें कोई प्रोजेक्टर या ऐसा कुछ चीज होता तो शायद हम कुछ फिक्स कर भी देते, अभी तो नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया सेकंड वाला हेड। अब अंदर चलते हैं, बारिश बहुत तेज हो रहा है। वैसे दोस्तों, आप लोगों को ये वाला जो कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा डेफिनेटली बताइए कमेंट्स में। ये हमने जो है ऑटो ट्रीज पे फिक्स किया था, अगर आप लोगों को पता होगा तो, ये इस पर हम लोग जो है PPF किए हैं, ये भी PPF किए हैं, काफ़ी सारे चीज़ें PPF किए हैं और सेरामिक कोटिंग भी किए हैं, इसलिए गाड़ी देखो मतलब हमेशा चकाचक रहता है। अगर ऑटो ट्रिप से आपको भी कुछ करना है, अगर आप बैंगलोर से हो और आपको PPF या फिर सेरामिक कोटिंग ऐसा कुछ भी काम डिटेलिंग को लेके कुछ भी करना है बाइक में कार में, उसके लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, वो वीडियो डेफिनेटली आप देख लीजिए। उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं शेयर करूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, होपफुली आपको हेल्प हो जाएगा। दोस्तों, थर्ड जो हेट वाला चीज़ है वो ये है कि इसके सस्पेंशन। सो दोस्तों, इसके सस्पेंशन जो है ये बहुत बड़ा लाइकिंग भी है और बहुत बड़ा डिसलाइकिंग भी है, मतलब हेट भी है।
तो लाइकिंग इसमें क्या है वो मैं बताऊंगा। बेसिकली कंफर्ट इसमें बहुत बढ़िया है, बहुत स्मूथ लगता है। ट्रस्ट में दोस्तों, मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोगों के पास प्रीमियम कार्स है, मर्सिडीज ले लो, बीएमडब्ल्यू ले लो, ऑडी ले लो या फिर लेक्सस ले लो, बहुत सारे गाड़ियों में बैठा है। तो वो सब में जो है एक चीज मैं हमेशा नजर करने की कोशिश करता हूँ, कंफर्ट। तो ये गाड़ी ट्रस्ट में गाइस है तो ये 20-25 लाख वाली गाड़ी, लेकिन इसके सस्पेंशन सेटअप जो है आप अगर सिटी पे या फिर थोड़े बहुत रफ पैच पे चलाते हो या फिर रेगुलर जो कम्यूटिंग की बात अगर हम लोग करेंगे, इसमें जो कुशनिंग ओवरऑल आपको आता है, चाहे सीट की कुशनिंग ले लो या फिर सस्पेंशन की सेटअप ले लो, ओवरऑल कंफर्ट अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत ज्यादा प्लस क्वालिटी की है। मतलब आपको ना थोड़ा सा जो हायर सेगमेंट पे गाड़ी पे जो कंफर्ट आता है इसमें वही चीज फील होता है। इसकी खास करके इंटीरियर की डिजाइन एंड जो कंफर्ट, ये मुझे सबसे बढ़िया लगता है। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो सस्पेंशन जो है थोड़ा सा सॉफ्ट सेटअप पे है। अब सॉफ्ट के वजह से क्या होता है, जब कभी भी आप अगर कोई भी पॉट होल या फिर कोई गड्ढे पे कोई पत्थर के ऊपर अगर सडनली लेते हो तो ढक करके एक साउंड आता है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। शायद Hyundai को ये चीज एड्रेस करनी जरूरी है, बिकॉज इसमें क्या होता है ना, जब आप खास करके अकेले चलाते हो उतना ज्यादा साउंड नहीं आता, लेकिन जब आपकी गाड़ी कंप्लीटली लोडेड रहता है तब अगर आप कोई भी पॉट होल के ऊपर थोड़ा सा तेज भी चलेंगे ढक करके साउंड होता है, आपको लगेगा कि भाई साहब कुछ टूट जाएगा अंदर। तो ये एक चीज है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो इसका देखते हैं, अगर इसको मैं लॉन्ग टर्म में रखूंगा तो शायद मैं सोचूंगा कि इसमें कुछ सस्पेंशन को अपग्रेड करेंगे या फिर कुछ एक्स्ट्रा फिक्स्चर लगाने से अगर वो चीज सॉल्व हो पाएगा। तो थोड़ी सी मुझे लगता है कि ये रिबाउंड सेटिंग्स की प्रॉब्लम है। आई एम श्योर कि ये सब गाड़ियों में सेटिंग्स तो हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे, तो देखते हैं अगर कोई सस्पेंशन ही कोई अलग कंपनी कर रहा होगा तो फ्यूचर में कुछ देखेंगे। लेकिन अदरवाइज देखने से कंफर्ट बहुत बढ़िया है सस्पेंशन की, लेकिन बिकॉज इट इज टू मच ऑन द सॉफ्टर साइड, तो इसलिए क्या होता है ना कि जब झटके से कोई चीज लगता है तो आपको बहुत ज्यादा हिट होता है। ये एक चीज मुझे, मैं बहुत डरता हूं, मतलब मुझे डर लगता है बेसिकली कभी पॉट होल आता है ना मैं स्लो कर देता हूं, थोड़ा तेज जाने से ढक करके होता है, जो कि नेक्सॉन में मुझे कभी वो फेस नहीं हुआ, क्योंकि नेक्सॉन की जो सस्पेंशन सेटअप है वो थोड़ी सी स्टिफर साइड पे है तो वो पॉट होल ये सब में कभी प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन हाँ, उसकी ड्रॉबैक्स भी है कि आप जब सिटी पे चलाते हो, कॉन्क्रीट रोड्स पे चलाते हो, उसमें बहुत साउंड आता है और थोड़ी सी वो स्टिफनेस आपको इवन स्टीयरिंग और आपको अंदर फील होता है धड़ करके वो कंटिन्यूसली। इवन जीप कॉम्पस पे भी मैंने देखा है, अपने दोस्तों के गाड़ी मैंने चलाया है, नया वाला भी चलाया है, पुराना वाला भी चलाया है, उसमें भी वही चीज होता है कि थोड़ा सा स्टिफनेस रहता है। लेकिन इस पे रेगुलर राइड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत कंफर्टेबल लगता है, लेकिन जब भी आप ऐसी गड्ढे वड्ढे पे आते हैं तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए। चौथी जो प्रॉब्लम है, जो फोर्थ प्रॉब्लम है, वो एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको मुझे शुरू से ही पता था, तो आई थॉट कि आई कैन लिव विथ इट, बिकॉज ऐसी बात है कि मुझे कोई उस चीज पे बहुत ज्यादा शौक नहीं है। तो वो है कि पावर। जी हाँ दोस्तों, इस गाड़ी में जो पावर आपको देखता है, आपको बहुत ऐसे टाइम पे जो है फील करेगा कि यार थोड़ी सी अंडर पावर्ड है। जैसे अगर आप सिंगल चलाते हो या फिर आपके साथ एक कोई मतलब पैसेंजर है उसके हिसाब से चलाते हो तो आपको जनरली कुछ पता नहीं चलता है। अगर स्पोर्ट मोड खास करके लगाते हो तो आपको फिर भी अच्छा लगता है, लेकिन जब हाईवे पे अगर मान लो फुल्ली लोडेड लेते हो तो तब ना कभी कभार जैसे ओवरटेक करना है, कभी कभार थोड़ा सा आपको लगता है कि थोड़ा तेज भगाना है, तो उस केस पे आपको फील होता है कि ये गाड़ी जो है ना जैसे 100 तक थोड़ा इजीली पहुंच जाता है, 100 के बाद जो है आपको पता चलता है कि इट टेक्स टाइम। तो इसमें थोड़ी सी पावर की लैग इसमें है, मतलब आपको देखो मैं तो नेक्सॉन से शिफ्ट हुआ तो मुझे पावर फिगर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, बट समटाइम्स स्टिल आई फील कि नेक्सॉन इज स्लाइटली मोर क्विक ऑन हाईवे एक्सपेशली, तो थोड़ा सा ना टॉप स्पीड के मामले पे वो थोड़ा सा क्विक है इसके कंपैरिजन में। रीजन ये हो सकता है कि बिकॉज इट्स स्लाइटली हेवियर देन नेक्सॉन, थोड़ी सी साइज भी बड़ा है, व्हील बेस भी बड़ा है, तो उस हिसाब से हो सकता है, बट हाँ थोड़ा सा कभी कभार जो है आपको फील करवा सकता है। तो अगर आप एक पावर एंथुसियास्ट हो तो डेफिनेटली आपको ये गाड़ी नहीं खरीदना चाहिए, बिकॉज इट्स मोर लाइक ए कम्यूटरिस्ट कार देन एन एंथुसियास्ट कार। ये कोई एंथुसियास्ट कार बिल्कुल भी नहीं है, ना इसकी ड्राइविंग जो कॉर्नर ओनर वो सब के हिसाब से अगर देखोगे तो आपको एंथुसियास्ट वाली फील डेफिनेटली नहीं आएगा। तो पावर इसमें डेफिनेटली एक नेगेटिव पॉइंट है। जो लास्ट मेरा जो नेगेटिव पॉइंट है इज ए माइलेज। तो मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा था बिकॉज द पावर इज ऑन द लोअर साइड, सो आई शुड एटलीस्ट गेट सिटी में जो है 12-13 के माइलेज आना चाहिए एंड देन हाईवे पे 16-17 ऐसे के ऐसे अंदर आना चाहिए। सो दैट वाज माय एक्सपेक्टेशन, बट आई अंडरस्टैंड कि यार बैंगलोर जैसे सिटी पे, सो आपको बताता हूँ कि प्राइमरली ये कार जो है अभी मेरी वाइफ ही मतलब हर रोज जो है ऑफिस लेके जाती है, मतलब वीकडेज में ऑफिस लेके जाती है एंड वीकेंड्स में फिर घर रहता है तो कहीं कहीं हम लोग जाते रहते हैं, मतलब कहीं शॉपिंग मॉल चले गए कहीं चले गए, बट अदरवाइज अगर देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम माई वाइफ एक्चुअली टेक्स इट टू ऑफिस एंड हर ऑफिस About 22 किलोमीटर्स वन साइड, तो आप बोल सकते हो मोटा मोटी जो है 50 किलोमीटर एक दिन का होता है तो जाना आना। तो उस केस पे क्या होता है ना ट्रैफिक बहुत होता है बिकॉज वाइट फील्ड से सी ड्राइव्स टुवर्ड्स बनाघट्टा रोड, तो जो लोग बैंगलोर में होंगे उनके पता होगा सिल्क बोर्ड और कोरमंगला ये बीच बीच में बहुत कुछ आता है, आगरा ये सब सर्कल क्रॉस करके जाने में जो है बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। तो उसी की वजह से जो अब जो एक गाड़ी में माइलेज आ रहा है वो 10, मैं आपको दिखा देता हूँ, सो डिस्प्ले पे आपको दिखा देता हूँ,
सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 10.4 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दिखा रहा है फॉर द लास्ट 109 किलोमीटर्स। तो हम लोग जो है हमेशा इसको टैंक फुल ही कर देते हैं, जैसे ये 100 किलोमीटर के आसपास ये डिस्टेंस टू एम्प्टी आ जाते हैं तो हम लोग टैंक फुल करते हैं। सो और अच्छा एक बात इसमें अच्छी है कि नेक्सॉन के कंपैरिजन की, नेक्सॉन में क्या होता था ना, जैसे माइलेज आपको मान लो 20 दिखाता है तो डिफरेंस जो है ना वो हो जाता है 17 का, मतलब 3 किलोमीटर आराम से हो जाता है। इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इसमें मैंने देखा कि टैंक टू टैंक अगर फुल टैंक भी करते हैं ना तो 10.4 इसमें दिखा रहा है, मतलब मैक्स टू मैक्स जो है आपको 10 या 9.5, मतलब 1 किलोमीटर मैक्सिमम डिफरेंस हो सकता है। तो जो इसमें दिखा रहा है मोटा मोटी जो सेम है, बट जस्ट इमेजिन कि यार अभी अगर इसके हिसाब से भी देखोगे तो डीजल गाड़ी है, ऑटोमेटिक गाड़ी है, इसमें जो आपको माइलेज आ रहा है सिटी में 9। आई अंडरस्टैंड कि यार बैंगलोर सिटी ट्रैफिक ज़्यादा है, अगर ट्रैफिक मान लो नहीं होता तो शायद 1-2 किलोमीटर और आता है, लेकिन फिर भी मेरे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से थोड़ी सी जो है माइलेज इसमें कम है। मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि यार 2-3 किलोमीटर जो है इसमें माइलेज कम है, क्योंकि नेक्सॉन मैंने देखा है कि नेक्सॉन हमें सिटी में ऑलमोस्ट जो है 16-17 का माइलेज जो है आ जाता था। तो ऑब्वियसली नेक्सॉन से थोड़ी सी बड़ी गाड़ी है तो होगा। एंड सेकंड व्हाट आई थिंक इज कि नेक्सॉन में जो है आपकी जो ट्रांसमिशन होता था वो AMT होता था, तो AMT एंड मैनुअल ट्रांसमिशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन हाँ ऑटोमेटिक में थोड़ा सा मतलब वो डिफरेंस होता है माइलेज में। तो ये बात है, थोड़ी सी माइलेज जो है मुझे लगता है कि और 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, खास करके जब आप 50 किलोमीटर पर डे चलाते हो और 20 दिन अगर ऑफिस जाते हो तो 1000 किलोमीटर आपका महीने का होता है, उस हिसाब से थोड़ा सा लगता है। वेल एनीवे ये डीजल गाड़ी है। अच्छा हाईवे की माइलेज जो है इसमें अच्छा है, दैट आई लाइक, बिकॉज हमें जो है करीब करीब 16-17 का माइलेज दिया, एंड कंसिडरिंग ये साइज की गाड़ी हम लोग फुल्ली लोडेड थे फिर भी 16-17 का माइलेज इज अ गुड माइलेज। बट सिटी की माइलेज मुझे थोड़ा सा फील होता कि कम है। ये हो सकता है कि शायद ये भी पॉसिबल हो कि अगर मैं इसके जगह SUV या फिर सफारी लेता तो उसकी जो पावर और उसकी जो वेट है उसके हिसाब से देखने से शायद मुझे 8 या 9 की माइलेज, मतलब सेम जगह पे 8 का माइलेज देता है, तो वो बात है। तो दोस्तों यही सब जो है था, ये सब नेगेटिव पॉइंट्स था, इसके अलावा जो भी है सब कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है। तो आप बात करते हैं थिंग्स दैट आई लाइक अबाउट दिस कार। अच्छा भाई दी एक और चीज मैंने हाईलाइट करना भूल गया, एक नेगेटिव पॉइंट है जो मैं भूल गया। सो बेसिकली इसमें जो है वायरलेस चार्जिंग तो इसमें दिया है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस ये आधा टाइम जो है काम नहीं करता। मतलब जैसे मैं अपना फ़ोन यहाँ रखता हूँ, कभी कभार चलता है, कभी कभार नहीं चलता है, कभी कभी चलते चलते ये कनेक्ट डिस्कनेक्ट वो होता रहता है। ये एक पंगा है यार इसमें, ये कोई मतलब अच्छा नहीं, पता नहीं ये हमारे मोबाइल के साथ प्रॉब्लम है या फिर इसमें, क्योंकि मेरे पास भी आईफोन है, मेरी वाइफ के पास भी है, लेकिन दोनों मोबाइल पर जो ये प्रॉब्लम तो होती है। चलो दोस्तों अब जो है बात करते हैं कि इसके पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। सो दोस्तों बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मुझे अच्छा लगता है। सबसे एक नंबर जो आपको बताऊंगा, जितने भी गाड़ियां मैंने चलाई ये सेगमेंट पे, ये सबसे मुझे कंफर्टेबल लगता है बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन सेटअप, सॉफ्टर सेटअप पे है, सीट की कुशनिंग अच्छा है, जो मेरे साइज़ का जो बंदा है उसके लिए देखो हेड रूम, नी रूम, सब कुछ जो है परफेक्ट है। हमारे फैमिली में सारे के सारे लोग जो है मेरे हाइट की है, ऑलमोस्ट सिमिलर हाइट की है, तो उस हिसाब से मेरे फैमिली के हिसाब से आई फाइंड इट वेरी वेरी कंफर्टेबल। और बेसिक चीज़ ये भी है कि आपको ना इस गाड़ी में बिल्कुल भी वो क्लस्टरफोबिक जो है फील नहीं आता है, बिकॉज इट्स वेरी एयरी, इसकी विंडोज़ की साइजिंग अच्छा है, ग्लास की साइजिंग अच्छा है, सिटिंग पोस्चर इज़ वेरी गुड। यहाँ से जैसे मैं अभी बैठा हूँ और सीट को मीडियम हाइट पर रखा हूँ फिर भी मुझे बॉनेट की जो है टिप तक दिखाई देता है, वाइड ग्लास एरिया, तो ये सब जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन करता है आपके कम्फर्ट के मामले में। सो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है, मतलब हर तरीके से, चाहे सिटिंग कंफर्ट ले लो, एसी की कंफर्ट ले लो, ओवर ड्राइविंग कंफर्ट ले लो, बहुत कंफर्टेबल है। सेकंड पॉइंट जो ये है कि इसमें ना इंजन नॉइज़ बिल्कुल नहीं आता, ये डीजल गाड़ी है लेकिन आपको कभी कभार महसूस भी नहीं होगा कि ये डीजल गाड़ी है। बहुत सारे लोग दोस्त जो है मेरे बैठे हैं और बोलते हैं कि यार पेट्रोल क्यों लिया, ऐसे पूछते हैं, क्योंकि अंदर जो है बिल्कुल साउंड नहीं आता, इवन बाहर भी नहीं आता। ये इस मामले में हिंडोई का मानना पड़ेगा कि यह जो इंजन बनाए बहुत साइलेंट इंजन है, बहुत अच्छा इंजन है। एक और एडवांटेज के बारे में हाईलाइट करूंगा, अगर आप यहां से गौर से देखोगे तो पीछे की ग्लास का एरिया आप देखो तो क्या होता है ना, बहुत सारे गाड़ियों में आपने देखा होगा कि यार जब आप रिवर्स करने की कोशिश करते हो आपको पीछे की ग्लास एरिया में कुछ नहीं दिखता। बेसिकली मैं यहां से दिखाता हूं आपको, अगर ये मिरर पे देखोगे आप, देखो यहां से देखोगे तो आपको कितना वाइड और प्रॉपर व्यू मिल रहा है। ज्यादातर गाड़ी में मैंने देखा कि यार पीछे वाले ग्लास में ना बिल्कुल व्यू नहीं आता है, मतलब बहुत कंफ्यूजिंग सा लगता है। खास करके अगर हम टाटा की गाड़ियां देखेंगे, जैसे नेक्सॉन पे भी वही हो रहा था, सफारी में भी ग्लास के एरिया जो है बहुत मतलब हाइट पे रहता है, आपको बिल्कुल पीछे का विजिबिलिटी अच्छा नहीं रहता है। और एक चीज आपको दिखाऊंगा, रुको, एक प्रैक्टिकल चीज है दोस्तों, अगर आप यहां से गौर से देखोगे तो यहां पे देखो इसकी जो सीट है, ये सीट थोड़ा लो है, मतलब ग्लास के अंदर, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये सीट जो है ना, ये सीट की पोस्चर जो है थोड़ा सा लो है, जिसके वजह से ये जो एरिया है ना आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर आप कोई भी अलग गाड़ी में देखोगे जो ऐसे सेगमेंट की, मतलब जिसमें 7-सीटर आता है, तो उसमें क्या होता है ना, ये हेडरेस्ट ये सब जो ऑलमोस्ट इतना कवर कर लेता है ना, आपको ना थोड़ा थोड़ा गैप मिलता है जहां से आप देखोगे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल पॉइंट है जिसको मैंने, मतलब मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन मैं जब ऑब्जर्व करने लगा मैंने देखा कि यार इसको रिवर्स करने में इतना ईजी फील होता है, तो वो एक बढ़िया एडवांटेज है इस गाड़ी के साथ।
इसके बाद आपको शेयर करना चाहूँगा इसकी कैमरे की क्वालिटी। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप रिवर्स करते हो इसकी कैमरे का क्वालिटी एक्सेलेंट है। ये सेगमेंट में जितने सारे गाड़ियाँ मैंने देखा है इसकी कैमरे की जो क्वालिटी है ना वो एक्सेलेंट है। दोस्तों मैंने जो है सफारी पे देखा है, मतलब उसकी कैमरा की क्वालिटी अगर इसको आप कंपेयर करोगे उसके साथ, मतलब वो कहीं भी नहीं है। वो तो लगता है कि बाबा वो होता है ना कि वो जमाने की है कैमरा, मतलब बहुत पिक्सलेटेड दिखता है, बहुत सस्ते वाला कैमरा दिखता है। इसकी जो ये यूनिट है ना, ये म्यूज़िक सिस्टम बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया विजिबिलिटी इसमें आता है। आज तक एक बार भी कभी हैंग नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। आपको दिखा देता हूँ कितना किलोमीटर ओवरऑल हम लोग कर चुके हैं अभी तक। सो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 4940 अगर आपको क्लियरली दिख रहा होगा तो 4940 किलोमीटर कर चुके हैं और 60 किलोमीटर में 5000 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन ये जो डिस्प्ले की क्वालिटी है एक्सेलेंट है और आज तक कभी भी इसमें ना लैग मिला, ना टच की कोई प्रॉब्लम मिला, कभी भी कुछ भी नहीं मिला। चाहे मैप देख लो, कुछ भी देख लो, ये बहुत सही है। मतलब क्वालिटी जो है ना स्क्रीन की बहुत अच्छा है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इसकी म्यूज़िक सिस्टम अच्छा है और साइज़ भी बहुत बढ़िया है। तो इस हिसाब से ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसमें। नेक्स्ट जो चीज़ मुझे बहुत बढ़िया पसंद आया Hyundai की, खास करके Alcazar में, वो है कि दोस्तों फीचर्स के मामले में। दोस्तों मैंने जो इस गाड़ी की जो है बेसिक मॉडल लिया, मैंने कोई टॉप मॉडल नहीं लिया क्योंकि मुझे लगा कि यार ज़्यादा बजट को एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। बिकॉज आप लोगों को पता है कि मुझे जो है एक थार भी लेनी है, जब जो मैं बहुत दिनों से आपको बोल रहा हूँ। जैसे अभी भी देखो हमारे घर पर जो है ना दो गाड़ी की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। बिकॉज आज देखो खास करके आज वीकडे है, लेकिन आज मेरी वाइफ ने गाड़ी नहीं लिया था, बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम सी एक्चुअली ड्राइव्स टू ऑफिस। तो उस केस पे क्या होता था, मुझे जो है स्कूटर पे या बाइक पे कहीं कहीं अगर जाना पड़ता है तो वो पड़ता है, तो मुझे एक सेकंड कार हम लोगों के घर पे चाहिए। तो उसके लिए मैंने सोचा था कि यार इस पे फिर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके कोई फायदा नहीं, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ यूटिलिटी व्हीकल फॉर अस, जो कि फैमिली के हिसाब से अच्छा रहेगा, सिटी कम्यूटिंग के लिए अच्छा रहेगा, वही सब सोच के हम लोग लिए थे। लेकिन बढ़िया बात इस गाड़ी के साथ ये लगा मुझे कि इवन इफ आप अगर बेस मॉडल भी लेते हो, जैसे मेरा ये बेस मॉडल है एंड इसमें जो सारे के सारे फीचर्स लोडेड है, आप जस्ट इमेजिन करो कौन सी गाड़ी में जो है आपको ऐसे मतलब इतना बड़ा सनरूफ, पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, ये इतना बड़ा टच सिस्टम मिलता है विथ इंटीग्रेटेड मैप्स एंड एट्सेट्रा, वो सब है, पैडल शिफ्टर्स है आपको ऑटोमेटिक में, एंड देन ऑटोमेटिक का एक क्लस्टर भी देखोगे, आपको कोई भी एंगल से फील ही नहीं होगा कि ये बेस मॉडल है। सो बेसिकली Hyundai Alcazar में आप चाहे बेस लो, टॉप लो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कॉमन है, मतलब रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें सारे के सारे कॉमन है। इवन ये भी देखो, ये जो मिरर भी दिया है ऑटो डिमिंग मिरर, ये सब कुछ जो है स्टैंडर्ड है हर मॉडल में। सो ये एक चीज़ मुझे बहुत बढ़िया पसंद आया कि यार जब आप पैसा देते हो ना तो आपको फील होता है कि यार आपको जो कंपनी वैल्यू क्या है, मतलब खास करके प्रोडक्ट पे जो है दे हैव नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड बेसिकली। जैसे देखो लेदर सीट्स नहीं, इट्स ओके, हम लोग बाद में अगर कभी पैसा हुआ तो लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि कभी कभार मुझे लगता है कि यार लेदर सीट्स पर्सनली मुझे लगता है कि थोड़ा सा पसीना भी करता है, उसके वजह से आपको फिर वो वेंटिलेटेड सीट चाहिए, वेंटिलेटेड सीट जो है सामने आता है पीछे नहीं आता है, तो गर्मी तो हर जगह होगा, तो उस हिसाब से फैब्रिक सीट भी अच्छा है। लेकिन हमने अभी जो है पेट टेक लिया है, तो एक बीगल हम लोगों ने लिया है, तो ऑब्वियसली कुछ दिनों के बाद शायद हमें सीट कवर डालना पड़ेगा, नहीं तो वो फर ये सब लगने लगेगा। एनीवेज जो भी हो, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये गाड़ी पे जो है ना यार बेस मॉडल पे भी आपको सारे के सारे फीचर्स आ जाते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, जब मैं ये खरीद रहा था ना उससे पहले मैं जो है सफारी पे ऑलमोस्ट सेटल था एंड इनोवा भी मैं देख रहा था। इनोवा का तो जो मेरे प्राइस पॉइंट पे आ रहा था ना, जो 25 लाख में आप बोलो कि यार 25 लाख में जो है ऑटोमेटिक का मिड वेरियंट कुछ आता है, वो तो लगता है कि वो आपके ऊपर कंपनी ने दया किया है। मतलब आप अगर ये डैशबोर्ड देखोगे ना, आप लोग यार कितना सस्ता कोई टैक्सी वाला वो डैशबोर्ड आपको दे दिया, मतलब लग रहा है जैसे कि यार कंपनी ने जो आपको भीख में दिया है गाड़ी, वैसा फील होता है। एंड सेम विथ सफारी, एंड सेम विथ सफारी ऑल्सो, सफारी में भी वही है कि यार स्क्रीन बहुत छोटा देता है। एक तो उसका जो टॉप मॉडल है उसमें भी मुझे स्क्रीन छोटा लगता है, एंड टॉप ऑफ इट अगर आप जैसे मिड वाले वेरिएंट कुछ लेते हो ना, तो उसमें यार स्क्रीन बहुत छोटा देता है, बहुत बेसिक लगने लगता है, बहुत सारी चीज़ें जो अंदर भी आपको बेसिक लगने लगता है। तो उस हिसाब से मैंने देखा कि यार ये गाड़ी जो है प्रीमियम फील करवाता है नो मैटर आप कौन सी भी मॉडल ले रहे हो। सो वो भी एक बड़ी एडवांटेज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर आप लोग सोच रहे हो Alcazar खरीदने के लिए, ये आपके लिए एक बहुत बढ़िया रीजन बन सकता है टू बाई दिस कार। दोस्तों एक और चीज़ मुझे जो बहुत बढ़िया पसंद आया वो ये है, यहाँ पे देखो ये जो स्विच है, अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ ना दोस्तों, तो इसमें सारे के सारे कैबिन के सारे के सारे जो लाइट्स, मतलब पीछे भी लाइट दिया है, यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है और यहाँ भी दिया है, पूरी की पूरी लाइट जो है ग्लो हो जाता है, जिससे आपकी कैबिन जो है रात को ना पूरा बढ़िया से चमकता है। ये एक बटन से आप पूरा लाइट्स को जो स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हो। इसको खैर आप जैसे आप सेट कर सकते हो, जैसे कि डोर खोलने से खुल लगा ऐसा कुछ कर सकते हो,
तो वो हो गया। एंड देन अगर इसको आप इंडिविजुअली प्रेस करते हो तो इंडिविजुअली भी लाइट जलता है। तो ये भी मुझे देखो ये छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत अच्छा मैटर करता है, बिकॉज जैसे हम लोग अपना पेट को पहला दिन लेके जा रहे थे तो रात का टाइम था, तो थोड़ा सा वो उसको लग रहा था कि जैसे अंधेरा अंधेरा है, तो हम लोगों ने जो है लाइट लगाया तो इट वॉज लाइक कि डे लाइट इन साइड दिखा, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से जो लाइट मतलब इसके अंदर जो है लाइटेड हो जाता है, तो वो भी एक बढ़िया सा एडवांटेज है। एक और चीज़ जो दोस्तों मुझे इस गाड़ी में पसंद है वो है कि इसकी सारे के सारे सीट्स जो है फ्लैट फोल्ड हो जाता है। जैसे ये अगर पुल किया तो ये सारे के सारे सीट जो है दोस्तों फ्लैट फोल्ड हो जाता है। तो आप जैसे ये दोनों को मैं फ्लैट फोल्ड कर दिया, अब जो वो सीट है ना वो भी फ्लैट फोल्ड हो जाता है। तो अगर आप लगेज स्पेस के मामले में देखोगे, इनकेस अगर आप दो लोग ट्रैवल कर रहे हो ना, आपको बहुत सारी चीज़ें कैरी करना है, पूरी की पूरी फ्लैट बेड हो जाता है, इसमें भर के सामान कैरी कर सकते हो, तो ये बढ़िया चीज़ है। इनफैक्ट खाली उतना ही नहीं है, आप अगर कैंपिंग वैम्पिंग कुछ करना चाहते हो तो ये सारे के सारे सीट्स जो है फ्लैट फोल्ड कर दोगे, और मैं बताता हूँ कैसे, अंदर जाके आराम से सो सकते हैं हम। जैसे ये मैं जाता हूँ आगे और मान लो कि मैंने इसको भी ऐसे फोल्ड कर दिया, तो देखो ऐसी बात है कि यार आप जो है ना इसमें ऐसे सो सकते हो, ये देखो बढ़िया सा जो है ऐसे बेड वेड लगा के सो सकते हो। अब देखो ऐसे कुछ होएगा, ये अब देखो ऐसे कुछ रहेगा, राइट। तो मेरे हाइट के लोगों के लिए जो है इसके अंदर जो हम कैंपिंग कर सकते हैं, तो ये बढ़िया मज़ेदार चीज़ है, राइट। तो ये मेरा सबसे एक फेवरेट चीज़ है कि यार इस गाड़ी में जो है फ्लैट फोल्ड करके अंदर जो है गाड़ी के अंदर आप सो सकते हो, तो ये एक एडवांटेज है। और एक चीज़ जो मुझे इस गाड़ी पे पसंद आया वो ये है कि दोस्तों जैसे आप देख रहे हो इसकी रिक्लाइनिंग एंगल भी आप चेंज कर सकते हो, एंड इसको जो है आगे पीछे भी कर सकते हो। तो बेसिकली जैसे आप आगे की सीट को एडजस्टमेंट करते हो वैसे ही आप ये वाली सीट को भी कर सकते हो। ये बहुत सारे गाड़ियों में ये फीचर नहीं देता है लेकिन बहुत ही बढ़िया चीज़ है। जैसे अब देखो ये ऐसा है ना, तो इसको मैं जो है देखो इसको थोड़ा सा ऐसे करके देखो ये भी कर सकता हूँ, देख रहे हो। तो एक हाथ से कर रहा हूँ इसलिए डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन देखो एंगल चेंज हो गया। एंड सेकेंड चीज़ है कि आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, जैसे ये देखो ये आगे आगे देखो कितना डिफरेंस है, आप देखो उसमें इसमें देखो, तो इसमें जो आपकी लेग स्पेस भी बढ़ जाता है। तो ये भी एक बढ़िया चीज़ है जो इस गाड़ी में है, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस गाड़ी में। एक और चीज़ जो मुझे पसंद आता है वो है ये सन ब्लाइंड्स। इसमें गाइज अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल करते हो बहुत ज़्यादा काम आता है, कभी कभार आप इसको लगा देते हो धूप उप नहीं आता है, बाहर से भी उतना ज़्यादा पता नहीं चलता है लोगों के लिए, तो ये भी बहुत बढ़िया सी चीज़ है। छोटी सी चीज़ है लेकिन गाड़ी में दिया है, बहुत बड़ी बात है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो ये अमेजिंग चीज़ है, जैसे मेरी बेटी कभी कभी यहाँ पे बैठती है तो यहाँ पे टैब लगा दिए या फिर कुछ खाने का सामान है तो यहाँ पे रख सकते हो, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि देखो दिस थिंग्स आर समथिंग की आर गुड टू हैव। तो इसमें आप ये भी यहाँ पे पानी की ग्लास भी रख सकते हो आप, सही चीज़ है। छोटा छोटा चीज़ें हैं लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें हैं। एक और एडवांटेज जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो है गियर बॉक्स। दोस्तों इसकी गियर बॉक्स जो है फैंटास्टिक है, सो फार मैंने जितने भी गाड़ियाँ चलाएं दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट गियर बॉक्स। इसमें कभी भी मुझे वो गियर का जर्क फील नहीं होता, इतना स्मूथ ट्रांसमिशन है, बहुत बढ़िया है। ऑटो ट्रांसमिशन है लेकिन वन ऑफ द फाइनेस्ट मतलब ऑटो ट्रांसमिशन गियर बॉक्स मैंने देखा है। इसमें कोई वो रॉन्ग गियर शिफ्टिंग ये सब नहीं होता है, बहुत अच्छी तरह से ये मैनेज करता है, ये मुझे बहुत बढ़िया लगा। ये बहुत स्मूथ और कंफर्टेबल कर देता है आपकी ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस को। और एक चीज़ आपको दिखाऊंगा, छोटी सी चीज़ है अगेन लेकिन मुझे बढ़िया लगता है, ये एक्चुअली ऑटो ट्रिस का मैंने उस दिन जब बनाया था तो ये नंबर प्लेट के ऊपर डालते हैं एंड ये रह गया है तो इनको देना पड़ेगा मुझे। एनीवेज जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ तो ये है। सो दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये जो लेयर है ना इसमें एक छोटा सा जो है लगेज स्पेस है। अगर आप देखोगे तो इसको ऐसे मैं खोलता हूँ तो देखो, तो इसमें मैंने बहुत सारा सामान जो है इसमें रख दिया है। तो ये ना ये छोटी सी चीज़ है दोस्तों लेकिन बहुत बढ़िया काम आता है। क्यों पता है, ये सारे के सारे चीज़ें ना हमेशा मेरा मिसप्लेस होता था। जैसे ये जोपासू को मेरे पास झाड़ू है, बाय द वे गाइस अगर आपको आपकी गाड़ी की डस्टिंग करना है ये जोपासू का डस्टर बेस्ट है। इसकी लिंक मैं शेयर कर लूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर, ये जितने भी मैंने डस्टर्स यूज़ किया है सबसे बेस्ट डस्टर है, ठीक है। एनीवेज तो मैं ये बता रहा था कि देखो ये सब चीज़ें ना पहले क्या होता था, जैसे नेक्सॉन में साइड में कहीं कहीं लगाना पड़ता था, ये हो गया, मैं बहुत सारी चीज़ें कैरी करता हूँ, ये कैरी करता हूँ, देन ये पंक्चर किट कैरी करता हूँ, एक छोटा सा पंप भी कैरी करता हूँ कभी कभी, और ये एक अपना मोबाइल चार्जर जो सॉरी मोबाइल नहीं है लैपटॉप चार्जर। तो ये सारी चीज़ें देखो कितना अच्छा से इसमें सेट हो गया, एक छोटा सा बॉटल भी रखता हूँ कभी कुछ काम आ जाए। तो ये है, तो ये भी एरिया जो है ना बहुत सही है यार, एक छोटा सा मतलब एरिया है लेकिन सब कुछ यहाँ पर ऑर्गेनाइज होकर रहता है, कोई इधर उधर नहीं होता है सामान, तो ये भी अच्छा काम आता है। छोटे से चीज है लेकिन बहुत बढ़िया काम आता है। और इसके अलावा जो है दोस्तों मैंने देखा कि अपने दोस्तों के पास जितने सारे गाड़ियां हैं मतलब जो हुंडई की गाड़ियां रख रहे हैं, बहुत सारे लोग उनमें से जो है बहुत सालों तक जो हुंडई की गाड़ी रखते हैं, क्योंकि थोड़ी सी जो ये ना अलग गाड़ियों के हिसाब से थोड़ी सी रिलायबल है। आप अगर इसको टाटा महिंद्रा ऐसे कोई भी गाड़ी कंपनियों के साथ जनरली आप कंपेयर करोगे सेम सेगमेंट पर, ये थोड़ी सी रिलायबल है कंपेयर टू अदर व्हीकल्स, तो ये एक पीस ऑफ माइंड भी देता है। हाँ इसके सर्विस कॉस्ट लोग बोलते हैं थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, तो अगर वो है तो वो थोड़ी सी एक नेगेटिव पॉइंट बन सकता है, बट देन मैंने एक्चुअली यूट्यूब पर भी देखा था, एक ब्लॉग चैनल देखा था, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है लेकिन नाम पता
नहीं है चैनल का, लेकिन मैंने देखा था कि उनकी जो सर्विस कॉस्ट, सेकंड सर्विस कॉस्ट ऐसा कुछ सफारी का आया था, इट वाज अबाउट 15,000 rupees. सिमिलरली मैंने एक्सयूवी 700 का भी देखा था, उनका भी कुछ 10-15,000 का आया था, तो थोड़ी सी वो भी एक्सपेंसिव है. तो मुझे लगता है कि ये सेगमेंट में सारी की सारी गाड़ियों की जो सर्विस कॉस्ट में भी 10-15,000 rupees रहता है. एंड अगर इसमें 10,000 की सर्विस कॉस्ट आता है देन आई विल नॉट बी स्ट्रेंज्ड, मुझे चलेगा, क्योंकि 10,000 किलोमीटर में एक साल में 10,000 चलेगा यार. लेकिन हाँ, 15,000 के ऊपर अगर आएगा तो एक्सपेंसिव होगा, वो तो हमें पता चलेगा जब हम इसको सर्विस के लिए लेके जाएंगे, तो आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगा. सो बस यही कुछ चीज़ें था दोस्तों जो आप लोगों के साथ शेयर करना था. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा हेल्प करेगा. अगर आप लोग प्लान कर रहे हो कि Hyundai की Alcazar खरीदने के, तो आपको डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा हेल्प कर सकता है. सो दैट्स ऑल अबाउट इट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो एक थम्स अप दे दीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए. बाकी आप लोगों के साथ एक जो है सरप्राइज शेयर करना है, शेयर नहीं करेंगे, सरप्राइज है. सो बेसिकली बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा, शायद ये मंथ के एंड तक आपको पता चल जाएगा कुछ सरप्राइज है. अगर वो काम किया, मतलब कोशिश जारी है, अगर हो गया तो आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ होगा, बहुत बड़ा गुड न्यूज़ आपके लिए, चैनल के लिए, मेरे लिए, पूरा फैमिली के लिए, सबके लिए एक गुड न्यूज़ होगा. सो डेफिनेटली जल्दी शेयर करेंगे. सो बाय बाय गाइस, टेक केयर. और जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है विद रिगार्ड्स टू Hyundai Alcazar, तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से भी जो इसको यूज़ कर रहे हैं, मी माय वाइफ ऑल ऑफ अस आर यूजिंग दिस, तो ऑब्वियसली आपके क्वेश्चन के आंसर हम लोग कर सकते हैं, तो कमेंट्स में डेफिनेटली बताएं आपके क्वेश्चन. एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करना था, तो मेरी वाइफ से भी मैं बीच बीच में जो फीडबैक लेता रहता हूँ, बिकॉज शी इज़ ड्राइविंग थ्रू ट्रैफिक ऑल द डे, मतलब एवरी डे, तो उनका फीडबैक जब लेता हूँ, सो शी सेज कि ये गाड़ी में जब चलाता हूँ ना, मुझे फील नहीं होता कि ये गाड़ी इतना लंबी है. ये फील होता है कि जैसे मैं कोई सेंट्रो या कोई भी छोटी कार चला रहा हूँ, ये वैसे ही फील होता है. इवन पार्किंग में भी इसको निकालना, डालना, और कहीं पर भी आप सटका के रखते हो तो ये बहुत ईजिली पार्क हो जाता है, सब कुछ होता है. इट्स अ वेरी ईजी कार टू ड्राइव. हाँ, मैंने आपको वो भी शेयर नहीं किया, इसकी स्टीयरिंग. सो दोस्तों, जितने मैंने गाड़ी चलाया, ये स्टीयरिंग जो है ना यार, सिटी में इतना अमेजिंग स्टीयरिंग है, ये आपको डेफिनेटली फैन कर देगा, बिकॉज इट्स ऑन द सॉफ्टर साइड. और ये क्या होता है ना, जब आप हाईवे पे जाते हो या धीरे धीरे ये जो जाम हो जाता है, मतलब थोड़ा टाइट हो जाता है, सिटी में जब आप चलाते हो तो ये जो है लाइट हो जाता है. बिल्कुल इसके उल्टा जो है, जैसे सफारी ये सब में होता है यार, सिटी में आप परेशान हो जाओगे वो सब स्टीयरिंग पे. हाईवे पे जाने के बाद हल्का सा थोड़ा लाइट हो जाता है, लेकिन सिटी के ड्राइव पे ना, पार्किंग वर्किंग करने के टाइम पे बहुत हैवी फील करवाता है. तो ये भी एक डिफरेंस है जो मुझे लगा कि यार ये भी आपको हाईलाइट करना चाहिए. और इसमें देखो, ये बेस वेरिएंट पे भी आपको क्रूज कंट्रोल दे देता है, हाइट एडजस्टेबल सीट देता है, सब कुछ दे देता है. तो बहुत सारे, काफी सारे चीजें जो इस कार के बारे में रियली मुझे इंप्रेस करता है. बाकी ये छोटे मोटे निगल्स जो आप लोगों को बताए, बस वही चीजों को छोड़ने के बाद और बाकी सब कुछ अच्छा है. आई होप कि ये वाला प्रॉब्लम, ये जो चें चां कें का प्रॉब्लम है, ये Hyundai सॉल्व कर ले. उम्मीद करता हूँ कि अगर ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा चलता है तो हो सकता है कि Hyundai की नज़रों में ये आए, और जब मैं सर्विस तक जाऊँगा तो हो सकता है कुछ इनकी सोल्यूशन आया होगा, तो ये शायद कुछ पार्ट वर्ट कुछ रिप्लेस करके कुछ तो कर देंगे. दोस्तों, आप लोगों में से अगर कोई भी Alcazar ओन करते हो और उनको आपको लगता है कि और कुछ भी इसमें नेगेटिव पॉइंट्स है, डेफिनेटली कमेंट्स में बताएं, ताकि कोई भी अगर सोच रहा है कि ये गाड़ी को खरीदने के लिए अपने फैमिली के लिए, तो उनको भी वो लिस्ट ऑफ जो प्रॉब्लम्स वो भी नज़र में आ जाए. हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग Alcazar के ओनर होंगे जो कि ऑलरेडी 10-15,000 या 20,000 किलोमीटर या फिर उससे ज्यादा चलाए होंगे, तो आपकी एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है. इसलिए कमेंट्स में डेफिनेटली आपकी फीडबैक भी बताइए, बताने से लोगों को डेफिनेटली हेल्प होगा. व्हाट इज AIF, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड? ये नाम सुनने में बड़ा भारी लग रहा होगा, लेकिन इन सिंपल टर्म अगर आप देखोगे, ये म्यूचुअल फंड जैसा ही एक फंड है. जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा लेके एक सिंगल स्कीम पे जो है पुल इन होता है, वैसा ही AIF के अंदर जो है एक इन्वेस्टर का पैसा सिंगल फंड पे जो है इन्वेस्ट होता है. अगर ये म्यूचुअल फंड जैसे ही है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? वेल, म्यूचुअल फंड में जो है आपको 500 या फिर उससे कम का इन्वेस्टमेंट आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द म्यूचुअल फंड स्कीम. लेकिन AIF में जो है आपको मिनिमम 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए. अब ये अमाउंट सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन आपको एक साथ पूरा पैसा देना नहीं पड़ता, आपको जो है ट्रांचेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है. अब ये ट्रांचेस क्या है? जो AIF का जो फंड मैनेजर रहता है, वो ड्रॉ डाउन कॉल करता है. मान लीजिए कि अभी के एनवायरमेंट में एक AIF की फंड मैनेजर को लगता है कि 25% की जो फंड है डिप्लॉय करनी चाहिए, बिकॉज उनको लगता है कि आगे कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी है. सो फंड मैनेजर जो है इन्वेस्टर से 25% की जो है ड्रॉ डाउन करेगा, मतलब इन्वेस्टमेंट की कॉल करेगा. म्यूचुअल फंड्स केवल नोन जगह पे ही करते हैं, जिसकी कैटेगरीज और इन्वेस्टमेंट जो है सेबी के द्वारा ऑलरेडी डिफाइंड है. लेकिन AIF जो है इन्वेस्ट करता है प्री IPOs में, मतलब जिन कंपनियों की IPO जो है फ्यूचर में आ सकता है. और ऐसे कंपनियों में वो इन्वेस्ट करते हैं जो कि अनलिस्टेड है, मतलब मान लीजिए कि बहुत सारे स्टॉक जो है आपकी एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है, लेकिन ये जो कंपनियां जो है इंडिविजुअली बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल इसमें दिखता है. AIF कितने टाइप के होते हैं? वेल, AIF जो है 3 टाइप के होते हैं, CAT 1, CAT 2 and CAT 3 के नाम पे जो है रेफर किया जाता है. CAT 1 में वो AIF आते हैं जो कि स्टार्टअप्स में या फिर
SMEs पे जो इन्वेस्ट करते हैं, ये वो कैटेगरी की AIF है जिन्हें गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है। कैट टू पे जो AIF आते हैं वो प्राइवेट इक्विटी या फिर रियल एस्टेट ऐसे टाइप की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। अब कैट थ्री पे जो AIF आते हैं इनमें दो खास बातें हैं। पहला, ये डेरिवेटिव्स और कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं। दूसरा, ये ओपन एंडेड भी हो सकते हैं। बाकी दोनों जो कैटेगरी है ये एक्चुअली क्लोज एंडेड फंड होते हैं। इसमें लॉन्ग शॉर्ट ओपन एंडेड डेट AIFs इसमें आते हैं। अब कुछ सवाल AIF के बारे में। AIF में कौन इन्वेस्ट कर सकता है? कोई भी इंडियन, फॉरेन या NRI इसमें इन्वेस्ट कर सकता है विद रिक्वायर्ड फंड। इतना मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए। AIF की तीन कैटेगरी में, कैटेगरी वन, कैटेगरी टू, कैटेगरी थ्री में आपको मिनिमम 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए। AIF में क्यों इन्वेस्ट करें? वेल, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट जो होता है वो स्टॉक्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स एटसेट्रा ये सब में होते हैं। और AIF के साथ ये होता है कि आप जो अनलिस्टेड, रियल एस्टेट ऐसे टाइप की कंपनी पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटी मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल ऑफरिंग डॉक्यूमेंट्स carefully before investing.